सब्सक्राइब कीजिए जीके फैक्ट्स चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे ग्रह धरती में 298,000 टाइप से भी ज़्यादा टाइप का प्लैनेट रहता है। नेचर के बैलेंस को रक्षा करने के लिए प्लैनेट का होना बहुत ज़रूरी है। कोई प्लैनेट हमें फल देता है तो कोई खूबसूरत फूल का महक देता है और कोई औषधि बनाने का काम आता है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रकार का स्ट्रेंज प्लैनेट के बारे में जानेंगे जो बाकियों से अलग है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में एक सरप्राइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसबॉल प्लैनेट। साउथ अफ्रीका में इस प्लैनेट को पाया जाता है। इसका आकार एक बेसबॉल की तरह होने के कारण ही इसको ये नाम पड़ा है। इसका साइंटिफिक नेम है यूफोबिया ओबेसा। इसका एवरेज हाइट लगभग 20 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये प्लैनेट काफ़ी रेयर है, इसलिए नेशनल नेचर कंजर्वेशन से इस प्लैनेट को प्रोटेक्ट किया गया है। इस प्लैनेट का नर और मादा अलग अलग होता है और ये प्लैनेट थोड़ा जहरीला है। इसको छूने से स्किन डिजीज हो सकता है। हाइडेलम पेकाई। अगर आपको कोई बोले कि एक ऐसा फंगस है जिससे खून निकलता है तो आप हैरान होंगे, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाया जाता एक फंगस ऐसा ही खून निकलता है। इसका शरीर से एक जूस निकलता है जो लाल रंग का होता है, जिसको खून समझ के भ्रमित हो सकते हैं। इसका नाम ब्लीडिंग टूथ फंगस भी है। ये फंगस हम लोग खा भी सकते हैं, लेकिन इसका ब्लड जैसा जूस का स्वाद बहुत बिटर है, इसको आप नहीं खा सकते। इस फंगस के कुछ प्रजाति में जूस का कलर पिंक या ऑरेंज हो सकता है। वेलविट्स चिया मिराबिल्स। नामीबिया के बंजर रेगिस्तान में एक ऐसा प्लांट का बास है जिसको भगवान एक्सट्रीम वेदर कंडीशन झेलने के लायक बनाया है। ये सूखा, गर्मी, पानी का ना होना, ये सब को झेल के आराम से जी सकता है। इसका जीवन काल 500 से लेकर 1500 साल तक हो सकता है। इस प्लांट का सिर्फ दो ही पत्ता होता है और ये पत्ता समय के साथ साथ बड़ा होता है। इसका भी नर और मादा अलग अलग पेड़ होता है। लिथोप। साउथ अफ्रीका में पाया गया इस प्लांट को आप लिविंगस्टोन या जिंदा पत्थर भी बोल सकते हैं। इसका आकार एग्जैक्टली पत्थर की तरह होता है। इसके दो पत्ते एक दूसरे के साथ जुड़ के ये पत्थर जैसा शेप लेता है। इसका पत्ता बारिश के टाइम ही बड़ा होता है और ये प्लांट की तरह हरा रंग का नहीं होता। इसका कलर ब्राउन या ग्रे कलर का होता है। इसका आयु 50 साल से भी ज़्यादा होता है। मिमोसा पुडिका। इस प्लांट को आप शायद देखे होंगे, ये हमारा देश में लगभग सब जगह पाया जाता है। इसका पत्ता टच सेंसिटिव होता है, इसको उंगली से छूने से सिकुड़ जाता है। इसको सेंसिटिव प्लांट या साई प्लांट भी कहा जाता है। कोर्स फ्लावर। ये फूल सुमात्रा में पाया जाता है। फूल समेत पेड़ का हाइट लगभग 8 फीट होता है और ये धरती का सबसे बड़ा फूल है। जब इसका फूल खिलता है तो जानवर के शरीर सड़ने टाइम जैसे स्मेल आता है, इस फूल का भी स्मेल वैसा है। तो जाहिर है ये फूल आप किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे। और ये फूल 40 साल में एक बार खिलता है। रफ्लेसिया अर्नोल्डी। ये फूल भी सुमात्रा के जंगलों में पाया जाता है। इसका एक फूल 3 फीट तक का हो सकता है और कोर्स फ्लावर की तरह इससे भी खराब और इरिटेटिंग स्मेल आता है। ये फूल यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि एक फूल के अंदर नर और मादा दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है। वेनस फ्लाई ट्रैप्स। ये पेड़ छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ों का शिकार कर सकता है। शिकार करने के लिए इसका जो पत्ता है उसके सामने लोबोस होता है और ये एक टाइप का ट्रैप है। इस ट्रैप के अंदर जब भी कोई कीड़ा बैठता है तो यह अपने लोब्स को बंद कर देता है और कीड़ा को अंदर फंसा लेता है। अंदर फंसा कीड़ा को ये धीरे धीरे हजम कर लेता है और अपने खाना में इसको इंक्लूड कर लेता है। एक कीड़ा हजम होने में इसको लगभग 10 दिन का समय लगता है। ईस्ट कैरिलिया में ये प्लांट पाया जाता है। पिचर प्लांट। ये प्लांट भी कीड़ा खाता है। इसके पत्ता में घड़ा जैसा शेप बना है और इस घड़े के अंदर से सुंदर महक निकलता है। कोई भी कीड़ा इस महक से आकर्षित होकर अगर घड़े के अंदर गिरता है तो अंदर एक चिपचिपी लिक्विड होता है जो इस कीड़ा को पकड़ लेता है और वो इस पेड़ का शिकार बन जाता है। इस पेड़ का कोई कोई प्रजाति इतना कारगर होता है कि चूहा तक का शिकार कर सकता है। शिकार हजम करने के लिए
इसके पास एंजाइम होता है बियोबब ट्री, इसको बॉटल ट्री भी कहा जाता है। इसका शेप बॉटल जैसा है, खाली इसलिए नहीं, इसके अंदर 300 से 500 लीटर तक का पानी स्टोर रहता है, इसीलिए इसको बॉटल ट्री कहा जाता है। इसका जीवन काल 500 साल से भी ज़्यादा होता है। मैदागास्कर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में ये पेड़ पाया जाता है। मेथुशिला, ईस्टर्न कैलिफोर्निया का व्हाइट माउंटेन्स में एक टाइप का पाइन पेड़ का खोज मिला, जिसका उम्र लगभग 4000 साल है। 1957 में इसका एज को कैलकुलेट किया गया तो मिला 4789 ईयर्स। ये अब तक का खोजा गया सबसे पुराना नॉन क्लोन ट्री है। इससे भी पुराना एक पेड़ था प्रोमीथियस, उसका उम्र था 4844 साल। 1964 में उसको काट दिया गया। कैलिफोर्निया का रेडवुड फॉरेस्ट में वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री मौजूद है। इसका हाइट है 115.85 मीटर या 379.7 फीट। ये पेड़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा ऊंचा है और अभी भी ये जिंदा है और हर साल बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।